सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। मतदाताओं को जागरूक करने वाले ही नहीं डाल पाए वोट। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जी आर एस संतोष। विकासखंड हिलौली बिछिया सहित उन्नाव जनपद के लगभग सभी विकासखंडों में शिक्षा मित्रों व रोजगार सेवकों को विभिन्न बूथों पर चुनावी ड्यूटी में लगाया गया था, जिसके कारण वह मतदान करने से वंचित रह गए, जिसको लेकर शिक्षा मित्रों ने हंगामा भी किया। शिक्षा मित्र व रोजगार सेवकों का कहना है कि हम सभी वोटिंग के लिए अधिकारियों से संपर्क करते रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में सभी को निराश होना पड़ा। लोकसभा चुनाव में जिले के विभिन्न बूथों पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के लिए रोजगार सेवक सहित शिक्षा मित्र व डायट कर्मियों की भी ड्यूटी मतदान केंद्रों पर लगाई गई थी, जिन्हें 200 रुपये ड्यूटी शुल्क देकर रवाना भी कर दिया गया था। इन सभी की ड्यूटी अपने गांव से दूर दराज केंद्रों में लगाई गई, जिससे यह लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। इसी बात को लेकर शिक्षा मित्रों ने हंगामा भी किया, जिससे ब्लॉक अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। इस मामले में ब्लॉक अधिकारी का कहना है कि 24 अप्रैल को प्रशिक्षण के दौरान फार्म 12 का व 12 खा भरवाया जाना था, लेकिन शिक्षा मित्र व अन्य लोगों ने यह फार्म नहीं भर पाए, इसी कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई। जबकि ब्लॉक में मौजूद शिक्षा मित्रों ने बताया है कि ट्रेनिंग के दौरान इस प्रकार का कोई फार्म न भरने के लिए हमें दिया गया और न ही मौजूद था। और कुछ अन्य ब्लॉकों में शिक्षा मित्र व रोजगार सेवकों का कहना है कि फार्म 12 का व 12 खा दिया तो गया, पर कहीं पर भरने के बाद जमा नहीं किया गया, और जहां जहां जमा भी हुए वहां पर मताधिकार का प्रमाण पत्र भी नहीं आया। इसलिए चुनाव तो संपन्न हो गए और मतदाताओं को जगाने वाले ही मतदान से वंचित रह गए। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी चुनावी ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे, जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग न किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।